सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकंड वीडियो ऑफ द इनकम टैक्स सीरीज, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया के बारे में। तो जो इनकम टैक्स का लॉ है पूरा इंडिया के अंदर, वो पांच हेड्स के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें पहले आता है इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा आता है एनुअल फाइनेंस एक्ट, तीसरा आता है इनकम टैक्स रूल्स, चौथा आता है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, और चौथा है हमारा लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट। एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना गया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन में आया था ऑन 1 अप्रैल 1962। आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ जिस साल बना है वो साल अलग हो सकती है, और जिस साल उस लॉ को लागू किया गया है वो साल अलग हो सकती है। सो द लेवी ऑफ द इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इंडिया के अंदर अगर इनकम टैक्स को लगाना है तो उसको गवर्न करता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट केम इन टू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। इट कंटेन्स 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स। इस एक्ट के अंदर आपके टोटल 298 सेक्शंस हैं और 14 शेड्यूल्स हैं। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडरगोज चेंज एवरी ईयर विद द एडिशंस एंड डिलीशंस ब्रॉट आउट बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसके अंदर हर साल कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है और कुछ ना कुछ डिलीट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट्स। क्लियर? तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ ना कुछ डिलीशंस होंगे, कुछ ना कुछ एडिशंस होंगे, और ये एडिशंस और डिलीशंस करता है हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट। क्लियर? समटाइम गवर्नमेंट ब्रिंग्स टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट आल्सो फॉर अमेंडिंग द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। और कभी कभार गवर्नमेंट टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी लेकर आती है इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को अपडेट करने के लिए। क्लियर? तो समझ में आ गया ना कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 था क्या। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जो डिजाइनिंग थी, जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन थी, वो कर ली गई थी 1961 में, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तब वो इम्प्लीमेंट हुआ था जाके ऑन 1 अप्रैल 1962। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टोटल 298 सेक्शंस है और 14 शेड्यूल्स हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 हर साल चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर एडिशंस किए जाते हैं, कुछ ना कुछ इसके अंदर डिलीशंस किए जाते हैं, और ये करता है हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट। कभी कभार गवर्नमेंट टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी लेकर आती है इस चीज को अपडेट करने के लिए। हाँ, एक चीज और, जो भी एडिशंस और डिलीशंस होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट्स इन इनकम टैक्स। क्लियर? चलो आगे हम लोग बात करते हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट के बारे में। एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस अ फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट्स बजट सेशन। व्हेन द फाइनेंस बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड गेट्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इट बिकम्स द फाइनेंस एक्ट। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक फाइनेंस बिल लेकर आती है पार्लियामेंट के बजट सेशन में। जब बजट को अनाउंस किया जाता है तब ये फाइनेंस बिल लेकर आया जाता है। जब ये फाइनेंस बिल दोनों हाउसेस में पास हो जाता है, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है, और प्रेसिडेंट इसको अपनी अनुमति दे देते हैं, तब ये हमारा बन जाता है फाइनेंस एक्ट। क्लियर? और एनुअल फाइनेंस एक्ट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये चीज हर साल की जाती है। क्लियर? फाइनेंस एक्ट हर साल बनाया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एनुअल फाइनेंस एक्ट। अमेंडमेंट्स आर मेड एवरी ईयर टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड अदर टैक्स लॉज बाय द फाइनेंस एक्ट। जितने भी अमेंडमेंट्स हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर या फिर अदर लॉज के अंदर, वो हर साल किए जाते हैं, और ये अमेंडमेंट्स किए जाते हैं बाय द फाइनेंस एक्ट। चलो आगे बात करते हैं इनकम टैक्स रूल्स 1962 के बारे में। सो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस इज लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी। डायरेक्ट टैक्सेस का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके लिए एक सेंट्रल बॉडी बना दी गई है, और वो सेंट्रल बॉडी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीबीडीटी बोलते हैं। द सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट। सीबीडीटी के पास ये पावर होती है कि वो चाहे तो रूल्स बना सकती है जितने भी प्रोविजंस है एक्ट के उसको लागू करने के लिए। फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सीबीडीटी फ्रेम्स रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सीबीडीटी टाइम टू टाइम पर नए नए रूल्स बनाती रहती है। दीज रूल्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज इनकम टैक्स रूल 1962। जितने भी रूल्स सीबीडीटी द्वारा बनाए गए हैं उन सभी रूल्स को अगर हम लोग साथ में देखें तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स रूल्स 1962। क्लियर? इनकम टैक्स रूल्स कौन बनाता है? सीबीडीटी। और सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस।
आगे हम लोग बात करते हैं सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस के बारे में। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर दूं, पहले सर्कुलर्स सीबीडीटी इश्यू करता है और नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट इश्यू करती है। क्लियर? सो सर्कुलर्स आर इश्यूड बाय द सीबीडीटी फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डील विद द सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड टू क्लेरिफाई डाउट्स रिगार्डिंग द स्कोप एंड द मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। सर्कुलर्स जो है वो सीबीडीटी द्वारा इश्यू किए जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इन सर्कुलर्स का मेन पर्पस होता है कि जितने भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है या फिर जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और उन डाउट्स को क्लेरिफाई कर दिया जाए। क्लियर? सर्कुलर्स आर इश्यूड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स एंड और एसएससीज। एसएससी वो होते हैं जो कि इनकम टैक्स जमा कराते हैं, और यहाँ पर ऑफिसर्स का मतलब है इनकम टैक्स ऑफिसर। तो सर्कुलर्स जो है वो ऑफिसर्स की और एसएससीज की गाइडेंस के लिए इश्यू किए जाते हैं। सो नोटिफिकेशंस आर इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जिस तरीके से सर्कुलर सीबीडीटी इश्यू करता है उसी तरीके से नोटिफिकेशंस इश्यू किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मेन पर्पस वही है कि जितने भी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट है उसको इफेक्ट में लेकर आया जाए। द सीबीडीटी इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू मेक एंड अमेंड रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट बाई इश्यू ऑफ नोटिफिकेशंस। सीबीडीटी के पास भी पावर होती है कुछ रूल्स को बनाने की या कुछ रूल्स को चेंज करने की बाय द इश्यू ऑफ नोटिफिकेशंस, लेकिन सीबीडीटी ज्यादा प्रेफरेंस सर्कुलर्स को देती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सीबीडीटी नोटिफिकेशंस इश्यू नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा जरूर है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सर्कुलर्स इश्यू नहीं कर सकती है। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज लीगल डिसीजंस गिवन बाय द कोर्ट। सो लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं केस लॉस। सो केस लॉस रिफर्स टू द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट्स। द स्टडी ऑफ द केस लॉस इज एन इम्पॉर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। केस लॉस वो डिसीजंस होते हैं जो कि कोर्ट्स देते हैं। यहाँ पर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है और हाई कोर्ट भी आ सकता है। केस लॉस इनकम टैक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अनअवॉइडेबल पार्ट है इनकम टैक्स की स्टडी के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट टू कॉन्सीव एंड प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल इश्यूज दैट मे अराइज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी एक्ट। ये चीज पार्लियामेंट के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती है कि वो स्टार्टिंग में ही बता दे कि इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये एक केसेस हैं। हेंस द ज्यूडिशरी विल हियर द डिस्प्यूट्स बिटवीन द एसएससी एंड द डिपार्टमेंट एंड गिव्स डिसीजंस ऑन वेरियस इश्यूज। इसीलिए जो हमारी ज्यूडिशरीज हैं, मतलब कि जो कोर्ट्स हैं, वो सारे डिस्प्यूट्स को सुनते हैं बिटवीन द एसएससी एंड द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मतलब यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और एसएससीज वो बंदे होते हैं जो कि इनकम टैक्स को जमा कराते हैं। तो इन दोनों के बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो इनको सुनते हैं और अपने डिसीजंस देते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं लीगल डिसीजंस गिवन बाय द कोर्ट, या फिर इनको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं केस लॉस। द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का वो सबसे बड़ा कोर्ट है, इसके ऊपर इंडिया में कोई भी कोर्ट नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ बनाता है तो वो पूरे इंडिया में लागू होता है। लेकिन जितने भी डिसीजंस दिए जाते हैं वेरियस हाई कोर्ट्स के द्वारा, वो डिसीजंस उनके सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्टिव स्टेट्स में एप्लीकेबल होते हैं जहां पर हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन होता है। सो द डिसीजंस गिवन बाय द वेरियस हाई कोर्ट्स विल अप्लाई इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स इन विच सच हाई कोर्ट्स हैव ज्यूरिसडिक्शन। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि इनकम टैक्स लॉ के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो सबसे पहली चीज इनकम टैक्स लॉ के अंदर आता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर हम लोगों ने पढ़ा एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इनकम टैक्स रूल्स के बारे में। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस के बारे में। और लास्ट टॉपिक था हमारा लीगल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं केस लॉस। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि इनकम टैक्स को लिवी करने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर लिवी ऑफ द इनकम टैक्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। शांत दिमाग न चलती है सीने में आग सी चलती है, छोड़े जो तीर तो सीधा निशाने पे लगना जरूरी है, होती न कलती है सांसें नहीं चलती है, सीधा है शॉट फट से प्रहार।